Dear students, welcome to my English grammar class of grade 5th. Today, in this video, I will explain you the concept of transformation of sentences affirmative to negative. Students, as you know, that sentence is a group of words that makes complete sense. Sentence kya hota hai? Ek group of words, wo wali group of words jo milke ek complete sense banate hain. और जो सेंटेंस है इट ऑलवेज ऑलवेज स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर. सेंटेंस हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से. कोई भी हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है? कैपिटल, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल. एंड जो सेंटेंस का एंड होता है वो किससे होता है? विद द फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क. सो कोई भी सेंटेंस है वो बिगेन कहाँ से होता है? कोई भी कैपिटल लेटर से. उसका जो एंड होता है वो फुल स्टॉप से होता है या फिर क्वेश्चन मार्क से या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से. और जो सेंटेंसेस होते हैं ये फोर टाइप्स के होते हैं. सेंटेंसेस फोर टाइप्स के होते हैं: असर्टिव, असर्टिव इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड लास्ट वन इम्पेरेटिव. असर्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? वो वाले सेंटेंसेस जो एक स्टेटमेंट को बनाते हैं, ए सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट. फॉर एग्जांपल, दिस इज अ टेबल, कल्पना हैज नॉट कम बैक होम. ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये बिगेन होते हैं कैपिटल लेटर से और एंड होते हैं फुल स्टॉप से. सी हियर द लेटर के एंड टी इज इन द कैपिटल फॉर्म. इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? सेंटेंसेस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन. जब हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं वो वाले सेंटेंसेस क्या होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं? इंटेरोगेटिव में. लाइक व्हाट इज योर नेम, इज नॉट दैट योर फादर. अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, इस सेंटेंस में क्वेश्चन को पूछा गया है, तो ये क्या हो गए? इंटेरोगेटिव सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एनी स्ट्रॉन्ग इमोशन. जब हम कोई इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, कोई भी हैप्पीनेस, कोई भी सॉरो, कोई भी इमोशंस, जो हम जब हम किसी को कोई कुछ भी एक्सप्लेन करते हैं विद द इमोशंस. फॉर एग्जाम्पल, हुरे द एग्जाम्स आर ओवर, तो ये एक एक्साइटमेंट शो होगी कि एग्जाम्स खत्म हो गए. तो इसके बाद क्या आया, आता है एक्सक्लेमेशन मार्क. यो ये ऐसे जो लाइन बनी हुई है इसके नीचे जो डॉट है इसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क. सच सेंटेंसेज एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क. ये जो सेंटेंसेज होते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते हैं. जब हम किसी को कोई भी इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस, तो उन इमोशंस के पीछे क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क. अलास द डॉग फेल इनटू द गटर, तो ये क्या है? सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो इसके अलास के बाद में क्या आएगा? एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्योंकि कोई इमोशन से एक्सप्रेस किया गया है कि जो डॉग है वो गटर में गिर गया. इम्पेरेटिव, लास्ट वन इज इम्पेरेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट रिक्वेस्ट्स और कमांड्स. फॉर एग्जांपल, शट द डोर, प्लीज गिव मी सम फूड. शट द डोर, तो ये जब हम किसी को कोई रिक्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ के लिए या फिर हम किसी को कोई भी कमांड पास करते हैं, कोई भी ऑर्डर, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं? इम्पेरेटिव. अब शट द डोर, ये एक कमांड पास की गई है कि डोर को शट करो. प्लीज गिव मी सम फूड, ये रिक्वेस्ट होगी कि मुझे कुछ फूड दे दो. प्लीज गिव मी सम फूड. सो स्टूडेंट्स, ऑल दीज आर फोर टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस. नाउ टुडे वी विल डू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम अफर्मेटिव टू नेगेटिव. सो
So students, I hope all of you have understood about the sentences. Now you have to transform the sentence from affirmative to negative. अब affirmative sentences कौन से होते हैं? We have learned about the different kinds of sentences. अभी हमने different kinds of sentences को learn किया है, definition and various kinds of sentences. कौन कौन से किए थे? Assertive, interrogative, exclamatory, and last one is imperative. The assertive, अब हमने देखना है कि assertive sentences कौन से, affirmative sentences कौन से होते हैं. The assertive sentence is further divided into affirmative and negative sentence. जो मैंने आपको पहला sentence explain किया है, assertive sentence, वो किस में divide होता है आगे? Affirmative में और and negative sentences में. We decide whether a sentence is affirmative or negative based only on the absence of the presence of words like no, not, nowhere, nobody, nothing and so on. हम decide करते हैं sentence जो है वो positive है या फिर negative है. वो sentence की जो formation होती है, presence होते हैं उसमें जो words, उससे पता चलता है कि सेंटेंस पॉजिटिव वे में है, फॉर्म में है या फिर नेगेटिव में. अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तो उसमें कौन से वर्ड्स होते हैं, जिस क्या कौन से वर्ड्स को यूज किया जाता है? नो, नॉट, नाउवेयर, नोबडी, नथिंग एंड सो ऑन. डू, डू नॉट, देर आर सम अदर वर्ड्स ऑल्सो विच वी कैन यूज इन द नेगेटिव फॉर्म. डू, डज नॉट, डू नॉट. Hence the sentence, for example, I am happy. तो I am happy क्या है? ये affirmative sentence है क्योंकि positive form में है कि मैं खुश हूँ, is an affirmative sentence. Whereas the sentence, for example, I am not happy. अब उसने बोला I am not happy, जो ये highlighted word है not, तो ये एक negative form में हो गया कि मैं खुश नहीं हूँ, तो ये कौन सा हो गया? Negative sentence. तो मैंने आपको बताया ना, जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं एफर्मेटिव, एक होते हैं ये एफर्मेटिव, एक होते हैं ये नेगेटिव. तो फर्स्ट सेंटेंस क्या डिपिक्ट करता है? कि जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव वे में है. तो आई एम हैप्पी, ये कौन सा हो गया? एफर्मेटिव. सेकेंड जो सेंटेंस है वो नेगेटिव वे में है. आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ. The meaning of both the sentences same. Although students, the meaning is same, but इसमें जो words है, highlighted word जो है not, ये क्या इसने जो sentences की formation change कर दी towards the negative sentence. ये affirmative से negative हो गया. Students, now come to this assignment. Part C. Read the sentences given below and convert them into negative. अब हमने affirmative sentences को कन्वर्ट किस में करना है? नेगेटिव सेंटेंस में. माई फादर मेक्स डिलीशियस बंस. माई फादर डज नॉट मेक डिलीशियस बंस. तो यहाँ पे क्या आ गया? डज नॉट. ये जो वर्ड है ये क्या डिपिक्ट करता है? कि जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया. अदाम राइट्स पोएम्स फॉर अ मैगजीन. अदाम डज नॉट राइट पोएम्स फॉर अ मैगजीन. My brother runs a bookstore. My brother does not run a bookstore. They are anxious about his recovery. They are not anxious about his recovery. Amit was studying for the examination. Amit was not studying for the. It was a mesmerizing experience. It was not a mesmerizing experience. We enjoyed the morning. We did not enjoy the morning. He recognized her instantly. We did not recognize her instantly. So students, all these words does not, do not, was not depicts that sentence is in the negative form. Now come to the part D. Rewrite the sentences given below and convert them into negative. My mother wanted me to become a surgeon. My mother did not want me to become a surgeon.
Savita was interested in the proposal. Savita was not interested in the proposal. Was not. The team was waiting for our answer. The team was not waiting for our answer. Akira admitted that she was wrong. Akira did not admit that she was wrong. The politician denied the blame. The politician did not deny the blame. He refused to go with his father. He did not refuse to go with his father. She has finished working on the assignment. She has not finished working on the assignment. The thief is in the backyard. The thief is not in the backyard. Amina was at the library on Friday. Amina was not at the library on Friday. The famous actor will act in the play. The famous actor will not act in the play. So students, again this exercise part D, we have used in this exercise the words did not, was not, will not. All these words depict that sentences are in the negative form. तो ये जो sentences हमें given थे ये affirmative sentences थे, इनको हमने किस में convert किया? Into negative. In the both exercises we have convert the affirmative sentences into the negative form. So students, I hope all of you have understood about this concept. Thank you. Have a nice day.